भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, समस्त दुनिया जानती है कि राधा भगवान से बे इंतहा मोहब्बत करती थी, है ना। राधा भगवान से इतना प्रेम करती थी, सिर्फ राधा ही नहीं गोकुल की सभी गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी कि जब जब भगवान की मुरली बजती थी, जब भी भगवान कन्हैया की मुरली बज जाती थी, मुरली की आवाज को सुनकर, हाँ हाँ क्या बात है भैया, भगवान इसी तरह मुरली बजाया करते थे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भगवान की जब भी मुरली बजती थी गोकुल की गोपियां, अगर कोई भोजन पर बैठी रहती थी तो भोजन छोड़ देती थी, अगर कोई स्नान करती रहती थी तो आधे स्नान में दौड़ पड़ती थी, अगर कोई सोई रहती थी तो निंद को त्याग देती थी। ध्यान देंगे, उसी में राधा जब जल भरने के लिए जमुना के निकट जाती हैं, और राधा जब जल भरने के लिए जाती है जमुना पे, तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण रास्ता को रोक लेते हैं, और रास्ते को रोक करके राजा यानी राधा सज धज करके जाती है, यानी बालों में गजरा, आंखों में कजरा, और ओठ पे लाली और कान में बाली, कान में झुमका, चाल में ठुमका, बिल्कुल सज धज करके चलती है। और जब चली है, जैसे जमुना के तट पर पहुंची है, भगवान श्री कृष्ण पीछे से राधा का दुपट्टा पकड़ कर कहते हैं, राधा ए राधा। जैसे और जिस दिन भगवान कन्हैया नजर नहीं आते, उस दिन राधा को भी यमुना तट पे मन नहीं लगता, राधा भी बेचैन रहती थी कि आज कन्हैया नहीं आया। आज भगवान श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़ कर कहते हैं, राधे ए राधा, आ हा, और बड़ा भाव में कहते हैं, क्या अरे कहीं तोरा दिल कौ राधा, अरे लाल लाल फूदनवा हे कि लग हो बेजोड़ राधा। बड़ा भाव में भगवान श्री कृष्ण राधा जी से सवाल करत कि ये राधा तनी बताई ना, अरे कहीं तोरा दिल कौ राधा, आहे लाल लाल फूदनवा हे कि लग हो बेजोड़ राधा। और का और कहीं दिल को हाथों में गोदनवा हे बदनवा शोभ तोर राधा, कहीं दिल को हाथों में गोदनवा हे बदनवा शोभ तोर राधा, कहीं तोरा दिल को राधा लाल लाल फूदनवा हे कि लग हो बेजोड़ राधा, कहीं तोरा दिल को राधा लाल लाल फूदनवा हे कि लग हो बेजोड़ राधा। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने पास में बिठा कर कहते हैं, राधा हे राधा, और कहीं तोरा दिल को राधा आर लाल लाल फूदनवा हे कि लग हो बेजोड़ राधा, और कहीं दिल को हाथों में गोदनवा हे बदनवा शोभ तोर राधा, कहीं दिल को हाथों में गोदनवा हे बदनवा शोभ तोर राधा। और जब भगवान श्री कृष्ण इतना पूछते हैं तो राधा उत्तर क्या देती है, राधा उत्तर क्या देती है कि एक कान्हा ये का पूछा तारा, अगर आप पूछ रहे हो तो सुनो, ससुर भसुर दिल कई लाल लाल फूदनवा हो कि लग है बेजोड़ कान्हा, ससुर भसुर दिल कई लाल लाल फूदनवा हो कि लग है बेजोड़ कान्हा,
भगवान पूछत तरे क्या आई अच्छा है आई हाथ वाला गोदना तो राधा जी कह तरे की याद कराऊ दिन के एक बार तू ही लीलिहारी बन के आइल बड़ा एक बार तू ही लीलिहारी बन करके आइल बड़ा और वही समय तू हमरा के गोदना देले बड़ा याद कराऊ दिन के और ससुर भसुर दिलकई आर लाले लाले फूदनवा हो कि लगहई बेजोड़ राधा एक अंधा और तू ही देला हाथों में गोदनवा हो बदनवा सोहै मोर कान्हा तू ही दिहला हाथों के गोदनवा हो बदनवा सोहै मोर कान्हा बात है एक मिनट भैया अच्छा आप लोग झूमना चाहेंगे झूमने के लिए तैयार हैं अगर झूमने के लिए तैयार हैं तो हम नीचे आवेंगे है ना आ जाए एक बार खड़ा हो जाइए आप लोग झूमने के लिए और कहना है और झूमते हुए है ना एकदम रेडी है ना आप लोग झूमने के लिए तो ये कहना है कहिए तो दिल को राधा लाले लाले फूदनवा हो कि लगा है बेजोड़ राधा कहिए तो दिल को राधा लाले लाले फूदनवा हो कि लगा है बेजोड़ राधा दिल को हाथों में गोदनवा हो बदनवा सोहतोर राधा दिल को हाथों के गोदनवा हो बदनवा सोहतोर राधा सभी लोग हमारे भैया लोग आप लोग भी खड़े हो जाइए है ना और झूमने के लिए तैयार एक बार बोले कृष्ण चंद्र भगवान की आई है क्या बात है और क्या अरे कहिए तोर दिल को राधा लाले लाले चुनरिया है कि लगो बेजोड़ राधा कहिए तो दिल को राधा लाले लाले चुनरिया है कि लगो हबे जोड़ राधा भैया हो लेकिन आनंद नहीं आ रहा है आप लोग भैया सेल्फी बाद में लेकिन पहले झूमिए है ना कहते हैं सेल्फी लेने के लिए अभी हम इसी जगह अभी जाने रहे हैं बालक विद्यार्थी अभी जाएगा ना आपको छोड़कर लेकिन इसलिए झूमने के लिए तैयार हो जाइए पहले और भगवान श्री कृष्ण का भजन है झूमते हुए एकदम जरूर सुना देंगे भैया कहना है लेकिन आई पहले और कहिए तो दिल को राधा लाले लाले चुनरिया है कि लगो हबे जोड़ राधा कहिए तो दिल को राधा लाले लाले चुनरिया हो कि लगो हबे जोड़ राधा कहिए दिल को कान में झूलनिया है झूलनिया लगो तोड़ राधा दिल को कान के झूलनिया है मनवा मोहि मोर राधा जय हो क्या बात है और सोने से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा देता सोने से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा देता भक्त कहते हैं कि माँ कि सोने से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा देता लेकिन कब जो तू होती मैया अब बेटा मैं होता जो होती मैया अब बेटा मैं होता अरे सोने से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा देता सोने से चांदी से सोने से तुझको सजा देता
और मेरी बहना लोग, मेरी मैया लोग, अगर आप लोग भी झूमना चाहते हैं भगवान के भजनों में, माता रानी के भजनों में, तो आप भी लज्जा को छोड़ दीजिए, है ना। इसलिए शर्माना नहीं है, ये भगवान का भजन है। कहते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, और माता रानी जी के भजनों में, भगवान के भजनों में वही झूमते हैं जिनके पैरों में दम होते हैं। इसलिए आइए माता रानी जी के भजनों पर कहना है, और सोने से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा देता, सोने से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा देता, जो तू होती मैया का बेटा मैं होता, जो तू होती मैया का बेटा मैं होता, जो तुम होती मैया का बेटा मैं होता, जो तुम होती मैया का बेटा मैं होता। जय हो। और क्या बात है, जय हो, क्या बात है। कहाँ से आईले हरियार सुगवा है, कहाँ से आवाले मो, कहाँ से आईले हरियार सुगवा है, कहाँ से आवाले मो। और कहाँ से मैया, मेरी बहना लोग, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर देंगे, है ना। लजा तो नहीं ना रहे मैया, भजन में कभी शर्माना नहीं चाहिए, और वो भी अपने बेटे के सामने, बेटे के सामने तो महा शर्माती नहीं है। और दोनों हाथ ऊपर कर देंगे और कहेंगे, अरे कहाँ से आईले हरियार सुगवा है, कहाँ से आवाले मोर, अरे कहाँ से आईले शिव जोगिया पकड़वा धड़के मो, कहाँ से आईले शिव जोगिया करे जावा धड़के मो, कहाँ से आईले हरियार सुगवा है, कहाँ से आवाले मो, कहाँ से आईले हरियार सुगवा है, कहाँ से आवाले मो, कहाँ से आईले शिव जोगिया करे जावा धड़के मो, कहाँ से आईले शिव जोगिया करे जावा धड़के मो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वृंदावन से आईले हरियार सुगवा है, मधुबन से आवाले मो, वृंदावन से आईले हरियार सुगवा है, मधुबन से आवाले मो, कि वृंदावन से आईले हरियर सुगवा है, मधुबन से आवल मोर। एक बात, ये भगवान भोलेनाथ जी का भजन है कि और देवघर से आईले शिव जोगिया करे जब धर के हैं मोर, ये भोलेनाथ जी का भजन है। और एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, झारखंड में जहां भी मेरा, जहां भी मेरा कार्यक्रम हो, हम तो बिहार से हैं, है ना, लेकिन यानी पहले झारखंड और बिहार दोनों एक ही था,
लेकिन जब एक बात जान लेना मैया हमारे भाई बंधु कि जब परिवार बढ़ता है तो अलग रहने में ही लाभ होता है, क्योंकि तब शांति मिलती है। नहीं तो जहां परिवार रहता है ज्यादा, जहां की बर्तन ज्यादा हो, जहां हंडी ज्यादा हो, वहां वहां ढोन मुनेवे करेगा, और जहां आदमी ज्यादा रहेगा वहां थोड़ा कुछ ना कुछ कुन मुनेवे करेगा। इसलिए इसको अलग कर दिया। जब भाई जवान हो जाता है, जब तक भाई छोटा रहता है तब तक साथ रहता है, लेकिन जब भाई जवान हो जाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है कि आपस में झगड़ा नहीं होगा, है ना, आपस में ही बंटवारा कर लेते। वही हुआ झारखंड बिहार के साथ। इसलिए झारखंड में जहां भी हम जाते हैं एक बात हम जरूर कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं, लंका का राजा रावण था, आप लोग जानते हैं, लंका का राजा रावण था। रावण सभी राज्य से कुछ ना कुछ लेने का काम किया। रावण जो था हर राज्य से कुछ ना कुछ लेने का काम किया, लेकिन ये झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां रावण ने कुछ देने का काम किया है, है ना। ये बड़ी पावन पुनित धरती है, ये झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां रावण ने कुछ देने का काम किया और दिया भी तो ऐसे चीज को दिया जहां की पूरे विश्व के लोग आकर के सर को झुकाते हैं, और वो है भगवान भोलेनाथ, वो है बाबा बैजनाथ। और इसलिए हम कहना चाहेंगे और आप लोग ऐसे पावन पुनित धरती से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, भोलेनाथ की जहां विशेष कृपा है, और ऐसे ऐसे पावन पुनित धरती पर रहकर के भोलेनाथ के नाम पर इतना कमजोर जयकारा, ये बड़े तोहीन की बात है। इसलिए एक बार बुलंद आवाज में जयकारा हो, बोलिए शंकर भगवान। जब भगवान राम जी को वनवास हो गया, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब राम जी वनवास चले गए, उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे। जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे, वो अपने मामा के घर में थे, यानी काकेशिया देश में। भरत जी का मामा घर कहाँ है, यानी काकेशिया देश, काकेशिया में थे। और राम जी के वियोग में, जब राम जी वनवास चले गए तो राम जी के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण का अंत कर दी, यानी स्वर्ग सिधार गए। भरत जी को जल्दीबाजी में बुलाया गया कि आप जल्दी से आइए, महाराज आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही है ना, बहुत इमरजेंसी है, ध्यान देंगे, बहुत इमरजेंसी है, इसलिए आप जल्दी से आए। भरत जी को बुलाया गया और जब भरत जी अयोध्या वापस आए, आने के बाद जब भरत जी देखते क्या है कि अयोध्या में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, अयोध्या में बिल्कुल सन्नाटा है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है। जब भरत जी अपनी मां से मिले, महारानी कैकेयी से, और जब उन्हें सब कुछ पता हुआ, सही सही सब बात का पता चला, तो भरत जी आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे। भरत जी गिर गए अपनी मैया के सामने और रोने लगे, और ये कह करके रोने लगे कि मां ये तूने ठीक नहीं किया, ये तूने ठीक नहीं किया, अरे तूने मेरे देवता समान भाई को वन में भेज दिया, तूने देवता समान मेरे भाई को वन में भेज दिया, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे कहने पर ये अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लूंगा, ये अयोध्या का राज्य के ऊपर मेरा अधिकार नहीं, राज्य के ऊपर तो सदा ज्येष्ठ का अधिकार होता है। और भरत जी मां के ही आगे गिर गए, रो रो करके कहने लगे, मां मां आर मम हर से अइले भरा, आर गिरल मूर छाई के, कि मां ए मां
अयोध्या न रहबो हम, अयोध्या न रहबो हम, और बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम। मम हर से अइले भारत, मम हर से अइले भारत, किरले मुरु छाई के अयोध्या रहबो हम, अयोध्या रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या रहबो हम। कैलू माई कौना जन्म के बदला सधैलू हा, भरत जी आंख में आंसू लेके कहत रे के माई बतावा माई कि हमरा देवता समान भाई से कवन गलती हो गई है, कौना जन्म के बदला ले लू हमारी माई, कवन जन्म के रहे राम तू समातवा, और आप हैं भरत मंडल जी, वाह भरत जी का गीत और भरत जी आ गए, राम जी की विशेष कृपा बनी रहे। और खमरबाद के निवासी है, 50 रुपए का प्रेमी छावर लाए हैं, जय जय। कहना है कवन जन्म के, कवन जन्म के, कवन जन्म के रहे राम तू समातवा, उनका के भेज दिहलो 14 बरस के बानवा, 14 बरस के बानवा। कतना गोड़ावा तू खतरे होई है, अरे गुणवा तू खतरे होई है, कतन गुणवा तू खत होई है, कतन गुणवा तू खत होई है, लक्ष्मण हमारा भाई के अयोध्या न रहबो हम, अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम, बिना रघुराई के अयोध्या न रहबो हम। भरत जी रो रो के कहत रहे,
देखिए मां रोई रोई कहे भरत के कई अपना माई से रोई रोई कहे भरत के कई अपना माई से कौन गलती हो गईल बोल रघुराई से बोल रघुराई से ये भाई उनका के 14 वर्ष खातिर वनवास दे दे लो तनिका भी विचार न कैलू भाई कतन दुखावा हो खतरे होई है कतन और दुखावा तनिका विचार ना कैलू जिनकर पांव कबो नीचे ना पड़ल होके तू हमरा भाभी समान माई के माई समान भाभी के हमरा उनका संगे वनवास भेज देलू रे माई कतना दुखावा हो खत होई है सीता हमारा माई के अयोध्या रहबो हम अयोध्या रहबो हम बिना रघुराई के अयोध्या रहबो हम बिना रघुराई के अयोध्या रहबो हम हो अयोध्या रहबो हम अयोध्या रहबो हम बिना रघुराई के 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 अयोध्या रहबो हम कि पहले पहले मोरे सैया कि पहले पहले मोरे सैया आईनी तोहरा घरे आर देखल डर न जानल डर बा कैसे जाई पानी भरे कि पहले गबनहा गईनी आर
तब पानी के पठा बलए देखी के दुनिया के रीता देखी के दुनिया के रीत डर मोहिला Thank you.
घर में समय ले चारी चोर रतन धन गाए बिना।